आज के इस महफिल में सारे हिंदुस्तान से सारे शायर लोग, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। अमर कहाँ है, ताजी साहब कहाँ है, ये मेरे भाई, इसके लिए तो ताली बजाओगे कि नहीं बजाओगे? हम सबकी उम्मीद आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में चमकता हुआ सितारा, बोला तो गलती जरूर नहीं होंगी, ये चमकता हुआ सितारा। आपके और इनके बीच में मैं ज्यादा वक्त लूंगा नहीं, पर ये बात उतनी सही है कि जिस तरीके से यहां पे सारे शायर लोग अपना अंदाज रखने का तरीका कर रहे हैं, हमारे भाई ने तो बहुत ही तान मार दिया, बिल्कुल बता दिया कि हम क्या चीजें करके। बड़े खुशी का माहौल, और यही चीज हम देखना चाहते हैं। आपने आपके शायद में वो भी बोल दिया कि हमें किस तरह की हुकूमत चाहिए, वो सिर्फ बातों से नहीं होती है, काम करना ही पड़ेगा उसको। कुछ लोग सिर्फ बात ही करते चले जाते हैं और उसके साथ काम वही छूट जाता है उनके हाथ से। आज का माहौल वैसा ही है, हम 2014 से बातें ही सुन रहे हैं और खाली पुलाव के साथ लोगों का पेट भर जाएगा ऐसा आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाई, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान को पढ़ने के लिए काफी अर्जे गुजर जाएंगे। इस यहां के देश के लोग नियत्य होते भी हत्यारों को, जिनके हाथ में हथियार था उनको इंग्लैंड वापस भेज दिया। वाह वाह, इतने मजबूत यहां के लोग हैं, क्या कहने, वाह वाह। पर एक बात वो बातें करने वाले लोग भूल गए कि खाली पेट और खाली जेब इंसान को वो नसीहत देता है, उसमें वो जज्बा भरता है कि वहां पे बातें करने वालों की ज्यादा टाइम रहता नहीं। वहां पे जब आदमी का जेब खाली होता है, जब आदमी का पेट खाली होता है, उसको पढ़ाने के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं लगती, ना ही कोई टीचर की जरूरत होती है। वही चीज आज देश में हो रहा है, तो उस खाली पेट और खाली जेब के भरोसे आपको सीखे जो सिर्फ ख्याली पुलाव बना रहा है, उसको सबक सिखाना है हमें, और वो सिखाने के लिए हम सबने बिना टीचर के यूनिवर्सिटी में पढ़ के अपने आप को तैयार करना है, ऐसा मैं आपको जरूर कहूंगा। मैं आपके और इनके बीच में ज्यादा वक्त लेता नहीं, उर्दू मैंने शायद लखनऊ में उत्तर प्रदेश में पैदा होता तो शायद उर्दू सीख लेता था। अनिल भाई, नहीं शेर के लिए मैं अनिल भाई को रखा हूं वहां पे, वो तो बोल दिए। मैं बहुत बातों में विश्वास नहीं करता हूं, मैं कामों में विश्वास करता हूं। आज यहां पे जो मेरे भाई और बहनें यहां पे खड़े बैठे हैं, सुनने आए हैं, उनसे मैं यही करूंगा कि अब यदि आप जागे नहीं तो आने वाली जनरेशन आपको माफ नहीं करेंगी। अब अभी यदि जागे नहीं तो आगे वाली जनरेशन अब माफ नहीं करेंगी। यही वक्त है, हमें बताना है कि हम भी सीख के बड़े हो चुके हैं, हमारे भी समझ है, ज्यादा दिन आप हमसे धोखा नहीं कर सकते हैं। ये हमें आने वाले दिनों में अपने बदौलत और वोट के माध्यम से बताना है, यह मैं आपसे सबसे गुजारिश करता हूं।
आप सब लोगों ने आज यहाँ पे मेरे को नवाजा, इसलिए तहे दिल से शुक्रगुजार। और इस तरीके आदमी की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। इतना करके अपने शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वाह भाई, बहुत खूब।